दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसिस बैकन का एक ऐसे ऑफ स्टडीज। ये लगभग 500 वर्ड्स का एक ऐसे है और कोई तो कारण है ये ऐसे हमें हमारे सिलेबस में मिला। कहने का मतलब इसमें फ्रांसिस बैकन ने ये बताया है कि लोग किस किस तरह से किस किस पर्पस के लिए स्टडी करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमें इस फ्रांसिस बैकन के ऐसे ऑफ स्टडीज में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस ऐसे को आप सिर्फ एग्जाम के पर्पस से मत सुनना, बल्कि इसके अलावा इसमें फ्रांसिस बैकन जो बताना चाह रहा है उस पर ध्यान लगाना। ऐसे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रांसिस बैकन के बारे में। फ्रांसिस बैकन फादर ऑफ एसेस थे। ये एक स्टेट्समैन थे, फिलोसोफर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। अब हम शुरू करते हैं ऑफ स्टडीज। देखिए दोस्तों, फ्रांसिस बैकन इस ऐसे में बताता है कि लोग किस लिए पढ़ते हैं। फ्रांसिस बैकन के अनुसार लोग तीन चीजों के लिए पढ़ते हैं, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। आनंद लेने के लिए, दूसरा दिखावे के लिए और तीसरा एबिलिटी के लिए, यानी कि हर जगह पर लोगों को जज करने के लिए। तो दोस्तों यहां पे जो पहली कैटेगरी है, जो लोग आनंद के लिए पढ़ते हैं, वो खाली समय में पढ़ते हैं, प्राइवेटनेस में, अपने मजे के लिए, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है ऑर्नामेंट वाली, ये लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे ऑर्नामेंट का मतलब होता है ज्वेलरी या फिर कह लो गहना, लेकिन यहां पे दिखावे के लिए इस शब्द का यूज किया गया है। तीसरी कैटेगरी वाले एबिलिटी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग जजमेंट देने के लिए मतलब अपनी एबिलिटी बढ़ाते हैं पढ़ करके, ठीक है, हर जगह अपना ज्ञान सामने रख देते हैं। लेकिन यहां पे बैकन के दृष्टिकोण से एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। एट द सेम टाइम यहां पे बैकन कहता है, वार्निंग देता है एक तरह से, कि जो लोग ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं अपने, तो ज्यादा स्टडी करना भी एक टाइप की लेजीनेस है। और इस लेजीनेस के लिए बेकन ने स्लोथ, SLOTS, स्लोथ शब्द का यूज किया है। और दूसरी कैटेगरी ऑर्नामेंट वाली कैटेगरी के लिए यहां पे बेकन ने कहा है कि जो लोग कन्वर्सेशन में अपनी स्टडी का ज्यादा ही यूज करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, वो लोग शो ऑफ करते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो जो हर जगह पर एबिलिटी वाली कैटेगरी है, ये जो हर जगह पर अपनी स्टडी से ही गाइड होती है, मतलब हर जगह पर अपनी स्टडी से काम लेना, वो एक अच्छा स्कॉलर तो बन सकता है लेकिन एक प्रैक्टिकल आदमी नहीं। बेकन यहां पर आर्ग्यूमेंट देता है कि स्टडी का भी एक संतुलन होना चाहिए, मतलब स्टडी करने का सही मजा तो तभी आता है जब हम कुछ पढ़ें और उसका तालमेल बाहरी दुनिया से बैठाएं, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उसमें शामिल करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो आगे जाकर के बाहरी दुनिया से डील करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन कहता है कि एक कपटी आदमी, कपटी का मतलब आप समझते हो ना, प्रिटेंशियस, तो एक प्रिटेंशियस यानी कि कपटी आदमी हमेशा एजुकेशन की बुराई करेगा, स्ट्यूपिड आदमी एजुकेशन की बड़ाई करेगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी अपनी एजुकेशन का एक्सपीरियंस लेगा, उस एजुकेशन को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके। बेकन यहां पे एक एजुकेटेड आदमी को वार्निंग देता है कि उसे बिना मतलब की जगहों पर आर्ग्यूमेंट करके अपने एजुकेशन का यूज नहीं करना चाहिए। क्या उसने एजुकेशन पर इसलिए फोकस किया है कि वो बिना मतलब की जगहों पर लोगों से आर्ग्यूमेंट करता फिरे, बहस करता फिरे, ये तो एक तरह से वेस्ट हो गया एजुकेशन का। बहुत से लोग आज ऐसा ही तो करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसा ही तो करते हैं। अब बेकन बुक्स के बारे में बताता है कि बुक्स हमें कैसे पढ़नी चाहिए, मतलब कुछ बुक्स तो ऐसी होती है जिन्हें हमें सिर्फ टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट का मतलब समझते हो ना, मतलब जरूरी नहीं है हम उसे पूरा पढ़ें। वहीं कुछ बुक्स तो ऐसी होती है जिन्हें कंप्लीटली हमें स्वेलो कर लेना चाहिए, और कुछ बुक्स तो ऐसी भी होती है जिनको हमें परफेक्टली पढ़ना चाहिए और उसका यूज हमें बिहेवियर को गाइड करने के लिए करना चाहिए। अब इसके साथ बेकन ऐड करता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जिन्हें दूसरे पढ़ें पर हमें उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को नोट कर लेना चाहिए पूरी बुक पढ़ने की बजाय। अब इसके बाद बेकन बात करता है रीडिंग, कन्वर्सेशन और राइटिंग के इफेक्ट्स की। रीडिंग तो आदमी को वेल राउंडेड बनाती है, मतलब उसके दिमाग को डेवलप करती है। कन्वर्सेशन आदमी को ऐसा बनाती है कि वो फटाफट सोच सके। और बात की जाए राइटिंग की, तो बेकन कहता है अगर कोई आदमी ज्यादा लिखता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसकी मेमोरी अच्छी है, वो चीजों को याद रख सकता है। और बेकन आगे सलाह देता है, जो आदमी ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता, उस आदमी को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात लोगों को समझा सके। इतनी समझदारी होनी चाहिए, इतनी विट होनी चाहिए, ठीक है। वही जो आदमी कम पढ़ता है,
रीड लिटल, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, मतलब वो चालाक होना चाहिए ताकि लोगों को ये दिखा सके कि वो सभी वो चीजें जानता है जो कि ढंग से पढ़ने वाले जानते हैं। इसके बाद फ्रांसिस बेकन सब्जेक्ट्स की बात करता है कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने से कौन से फायदे होते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ने वाला समझदार होता है, पोएट्री पढ़ने वाला क्लेवर यानी कि चालाक, और विटी। ये विटी का मतलब यहां पे है जिसकी कल्पना शक्ति अच्छी हो। और मैथमेटिक्स पढ़ने से इंटेलेक्चुअल शार्पनेस बढ़ती है। फिलोसॉफी पढ़ने वाले की डीपनेस और मॉरलिटी अच्छी होती है, और लॉजिक और रेथोरिक पढ़ने वाला कहीं भी बहस कर सकता है। अब इसके आगे फ्रांसिस बेकन बताता है कि अगर हमें शारीरिक कोई बीमारी है तो अलग अलग टाइप के गेम्स खेल करके हम उस बीमारी को सही कर सकते हैं। वैसे ही कोई मानसिक बीमारी हो, बीमारी तो नहीं कहेंगे हम उसे, कोई मानसिक तौर पे आदमी मान लो कोई जजमेंट लेने में या फिर दिमाग इधर उधर भटके, उसके लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, उससे वो चीज ठीक हो सकती है। और इसी फाइनल नोट के साथ फ्रांसिस बेकन ने अपना ऑफ स्टडीज ऐसे खत्म किया है।